देखो मैक्सिमा और मिनिमा, जिसे हमने साइन का ग्राफ देखा, हमने ये साइन का ग्राफ इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दो पहले, ध्यान दे लो फिर लिखाएंगे आपको। यहां पर क्या था एक, यहां पर -1, यहां पर 0, ठीक है। अब देखो यहां पर जो पॉइंट प्राप्त हुआ मैं, यानी ये या क्या होता है बताओ, पाई पाई टू पर, और ये पाई पर, और ये बेल्टन सवास 3 पाई पाई टू पर, और ये 2 पाई पर, और ये बेल्टन सवास आई प्राउड ऑफ यू 5 पाई टू, और ये 3 पाई पर, और इसके बाद ये 7 पाई पाई टू सवास, और ये 4 पाई। आगे यार देखो, अगर इस प्रकार हो, ये किसका ग्राफ है, ग्राफ ऑफ साइन एक्स है ना, ग्राफ ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है ना, साइन एक्स का ग्राफ है, इसमें मैक्सिमम कुछ मान है और मिनिमम कुछ मान है ना। मैक्सिमम मान कहां कहां प्राप्त हो रहा है, मैक्सिमम यहां पर, मैक्सिमम यहां पर, ठीक है, और मैक्सिमम और फर्दर यहां पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम मान है ना, ये मैक्सिमम मान, मैक्सिमम मान कहां प्राप्त हो रहा बताओ, मैक्सिमम मान कहां प्राप्त हो रहा है, पाई बाय 2 पर, जब पाई बाय 2 और पाई बाय 2 पर, और आगे तो 9 एंड सो ऑन है ना, इस प्रकार प्राप्त हो रहे। मिनिमम मान कहां प्राप्त हो रहे बताओ, मिनिमम मान 0 पर, मिनिमम मान प्राप्त नहीं हो रहे, ध्यान से देखना, 0 पर, 0 पर 0 ही है यहां पर है ना, कहां पर हो रहा है, 3 पाई बाय 2 पर, यानी -1, 3 पाई बाय 2 पर, और 7 पाई बाय 2 पर, और 11 एंड सो ऑन है ना, हम कर देंगे, ठीक है। तो जो ये मैक्सिमम मान तो ये है और मिनिमम मान ये है, इस ग्राफ का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पर आएगी, इस साइन के इस पॉइंट पर आएगी, और मिनिमम मान इस पॉइंट पर आएगी। मैक्सिमम मान, मैक्सिमम जो पॉइंट हो सकते हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्या एक से ज्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम पॉइंट, किसी ग्राफ के लिए मैक्सिमम पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, किसी के लिए हो सकते हैं, ये मैक्सिमम पॉइंट ही तो है, दो आगे और भी आ सकते हैं। मिनिमम पॉइंट 1 से ज्यादा हो सकते हैं कि 1 से ज्यादा हो सकते हैं, तो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे याद करेंगे वो हम अभी लिखाएंगे। एक बार इसको थोड़ा सा देख लो, बस देखो, उच्चिष्ट तथा उच्चिष्ट तथा उच्चिष्ट तथा उच्चिष्ट तथा बिंदु निकालने की कार्यविधि, यह क्रियाविधि एक ही बात है, लिखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट है ना, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु निकालने की कार्यविधि या क्रियाविधि। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट में है ऐसे पॉइंट बना बना के लिख लेना, इस प्रकार निकालेंगे, फर्स्ट लिखो, अवकलन करेंगे ना, फर्स्ट क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, अवकलन करना है, पहले क्या करेंगे, डी वाई डीएक्स निकालना है ना, डी वाई बाई डीएक्स निकाले, ठीक है, पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डीएक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई बाई डीएक्स की जगह पुट करेंगे 0, डी वाई डीएक्स की जगह क्या पुट करेंगे 0। सेकंड लिखो, फर्स्ट तो क्या लिखो, डी वाई बाई डीएक्स निकालेंगे, लिख लिया, यानी अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लिखो, डी वाई डी एक्स बराबर 0 माने, और 0 मानकर अब जैसे y बराबर x की कुछ फॉर्म होगा ना, y बराबर x की कुछ फॉर्म हो, फिर उसका अवकलन करेंगे, फिर उसमें डी वाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, फिर उससे जो वैल्यू आएगी, जैसे अक्ष अक्ष की टर्म में दे रखा हो तो अक्ष के पॉइंट आएंगे कुछ, स्थिर बिंदु निकलेंगे, डीवाई बाई डीएक्स निकाल, डीवाई बाई डीएक्स निकालेंगे पहले तो अवकलन करने पर, फिर उसके बाद डीवाई बाई डीएक्स बराबर पुट करेंगे 0, 0 पुट करने के बाद, 0 करने के बाद क्या करेंगे हम, कुछ स्थिर बिंदु प्राप्त होंगे, स्थिर बिंदु प्राप्त करेंगे, स्थिर बिंदु प्राप्त करेंगे, लिखो स्थिर बिंदु प्राप्त करेंगे, स्थिर बिंदु प्राप्त करेंगे, जो स्थिर बिंदु होगा मान लो अक्ष बराबर ए, अक्ष बराबर ए, पॉइंट प्राप्त हो गए हमें अक्ष बराबर, स्थिर बिंदु मतलब अक्ष बराबर ए बी कुछ भी प्राप्त होंगे है ना, लिखो चलो लिखो,
देखो अब फिर x बराबर ए, यानी इससे स्थिर बिंदु प्राप्त हो गया x बराबर ए। तो x बराबर ए देखो दो चीज निकालनी पड़ेगी हमें, एक तो मैक्सिमम और एक मिनिमम। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक ग्राफ का मैक्सिमम भी निकले और मिनिमम भी निकले, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि मान लो कोई ग्राफ है और उसका मैक्सिमम ही हो तो ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्राफ भी हो, जैसे मान लो कि कोई पॉइंट हो, स्थिर पॉइंट हो, तो मैक्सिमम मैक्सिमम भी निकलेगा ना, और कोई हो तो मैक्सिमम। अब उसको कैसे डिक्लेयर करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में डिक्लेयर करेंगे ना। अब तुम कॉपी पर आओ, x बराबर a है ना, x बराबर a, एक स्थिर पॉइंट एक स्टेशनरी पॉइंट मिल गया हमें x बराबर a, तो उसका डबल अवकलन करेंगे। उसका क्या करेंगे, डबल अवकलन किसका, जो हमने एक बार अवकलन किया ना उसका एक डबल अवकलन। और डबल अवकलन अगर लेस देन जीरो है, अगर डबल अवकलन देखो जीरो से कम है, डबल अवकलन करने के बाद अगर वो जीरो से कम हो, ध्यान रखना इसमें उल्टा चलता है, अगर जीरो से कम हो तो अक्स का जो पॉइंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा ना, मैक्सिमम। और अगर ग्रेटर देन हो तो मिनिमम मिलेगा। उतारो एक बार फिर बाद में समझाएंगे क्वेश्चन के थ्रू, है ना। हाल तक क्वेश्चन न कर रहे हैं, जब तक देखो क्वेश्चन है, पहले बुक से देख लेते हैं। x प्लस वन अपॉन x है, y बराबर x प्लस वन अपॉन x का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु याद कीजिए। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु याद कीजिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट बिंदु याद कीजिए। y बराबर है, y के इक्वेशन में y बराबर प्लेन ऑफ आप ऑफ अक्ष है ना, अक्ष की क्रमी है ना, इसीलिए। अब देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दे लो पहले, है ना। वाई बराबर, अब क्या करेंगे इसका अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, है ना, एक बार अवकलन करेंगे ना विथ रेस्पेक्ट टू अक्ष, अक्ष के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो डी ओवर डी एक्स निकालना है, शुरू करता हूँ। डी ओवर डी एक्स निकालेंगे तो अक्ष का क्या होगा, एक, और वन अपॉन अक्ष का क्या होगा, सपना में रहेगी, समाकलन थोड़ी करें, अवकलन करने है ना, क्या होगा, पावर आगे पावर में से एक कम है ना, वन अपॉन अक्स, यानी अक्स की पावर माइनस पावर आगे पावर में से एक कम, यानी माइनस वन अपॉन अक्स की पावर, ठीक है, जा गया, आगे सुन, आगे सुन, वन अपॉन अक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, ठीक है, समाकलन थोड़ी अवकलन कर देना है, हाँ दोबारा सुन तो ले, वन अपॉन अक्स का समाकलन लॉग एक्स होता है, लेकिन अवकलन क्या कर रहे हैं, वन अपॉन अक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, आ जाओ समझ में, गलत नहीं करना है, चाहे तो फॉर्मूले में रख के देख लेना है ना, फिर आ जाएगा समझ में, पावर आगे पावर में से एक कम, ठीक है। अब ये हो गया डी वाई डी एक्स बराबर वन माइनस वन अपॉन अक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, डी वाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, जीरो, और कुछ पॉइंट प्राप्त करेंगे। ये बताओ सर मेरे को पावर आगे पावर में से एक कम, अब एन एक्स की पावर एन माइनस वन, देखो अवकलन में क्या करते हैं, अक्स की पावर एन का अगर अवकलन करें, अक्स की पावर एन का अगर अवकलन करें तो पावर आगे और पावर में से एक कम, ये तो करते हैं, तो फिर काम क्या, तो वन अपॉन अक्स का, वन अपॉन अक्स डी वाई डी एक्स है, तो वन अपॉन अक्स का मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ अक्स की पावर माइनस वन, तो पावर आगे यानी माइनस वन आगे और माइनस वन से एक कम, माइनस जीरो कुछ वैल्यू याद करेंगे ना। एक और चीज ध्यान रख लेना, डीओडीएक्स बराबर जीरो रख दिया और जीरो रखो, अब क्या होगा, जीरो रखते ही डीओडीएक्स बराबर वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, जीरो, आगे समझ सकते, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस वन या प्लस वन होगा, प्लस वन होते वो माइनस वन ही तो होगा, प्लस वन है तो माइनस वन होगा, अरे नहीं ऐसे नहीं, देखो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये है और ये वन है, ये इस तरफ आते माइनस वन, अब आगे सुन, आगे अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब तो अब देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर वन है, तो एक्स स्क्वायर बराबर भी क्या होगा, वन, ठीक है, आगे चीज समझ में आ रही है। अब जब अक्स स्क्वायर बराबर वन है तो अक्स बराबर क्या होगा, रूट वन, एक चीज ध्यान रख लेना, अगर दो पॉइंट हो तो मान भी दो ही होंगे,
अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो मान दो होंगे, अगर एक्स क्यूब होता तो मान तीन होते, अगर एक्स की पावर फोर होती तो मान चार होते। ये चीज माइंड में बिठा के चलो। तो अगर एक्स स्क्वायर का रूट करेंगे तो एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस वन, ध्यान रख लेना। क्यों आया ये, क्योंकि प्लस वन का स्क्वायर भी वन होता है, माइनस वन का स्क्वायर भी वन होता है, इसीलिए एक्स स्क्वायर बराबर वन। सो अगर ये समझ में आ गया तुम्हें, अगर ऐसे नहीं आए तो दूसरा तरीका भी है, एक्स स्क्वायर बराबर वन तो इम्प्लाई डेट एक्स बराबर प्लस माइनस वन, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, वन भी है और माइनस वन भी है। आगे समझ में, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे तो क्या करते हैं हम इसके बाद, एक्स के दो मान हो गए, एक्स के दो मान प्राप्त हुए, दो मान प्राप्त हुए, हाँ दो मान प्राप्त हुए, एक तो एक्स बराबर वन और एक एक्स बराबर माइनस वन, ठीक है, दो मान प्राप्त हुए, एक तो एक्स बराबर वन और एक एक्स बराबर माइनस वन। अब क्या करेंगे, डबल अवकलन करेंगे, यानी इसका एक बार दोबारा अवकलन है ना, इसका समीकरण नंबर एक, समीकरण एक का दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक है, अब एक बार और करेंगे इसका, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, वन का जीरो, जीरो होता है क्या, कंफर्म, और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू एक्स, माइनस का टू अपॉन एक्स की पावर थ्री, नहीं समझ में आ गया, देखो माइनस ये माइनस है, माइनस एक्स की पावर माइनस टू तो है, आगे समझ में, माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस ये और माइनस टू आगे और माइनस टू में से एक कम, यानी माइनस माइनस टू और एक्स की पावर माइनस थ्री, यानी टू अपॉन एक्स की पावर थ्री, ठीक है, ये रफ पेज है ना। अब ये हो गया टू अपॉन एक्स की पावर थ्री, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की जगह रखेंगे और मान प्राप्त करेंगे। देखो डी स्क्वायर ये होगा, और इसके बाद क्या करेंगे हम, अब दोनों पर मान प्राप्त करेंगे, अब फर्स्ट कंडीशन है ना, फर्स्ट अक्ष के कितने मान प्राप्त हुए, दो, तो अक्ष बराबर वन पर, अक्ष बराबर वन पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बताओ, टू अपॉन माइन वन का होल क्यूब, यानी टू होगा। इसी प्रकार समीकरण ये दो, अक्ष बराबर माइनस वन पर d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, टू अपॉन माइनस वन की पावर थ्री। अभी अभी लेटेस्ट में बताया कि माइनस वन होगी तो माइनस टू हो जाएगा भी। अब कौन सा मिनिमम है, कौन सा मैक्सिमम बताओ, माइनस ये मिनिमम है, ये तो मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, तो मैक्सिमम को हम तो माइनस बड़ा मैक्सिमम नहीं चला तो मैक्सिमम मैक्सिमम चला तो मैक्सिमम है। हां तो वो ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, माइनस टू, माइनस टू यानी लेस देन जीरो, यानी ये पॉइंट जो है माइनस टू, यानी माइनस टू यानी अर्थात बराबर माइनस वन पर मिनिमम प्राप्त हुआ, मैक्सिमम प्राप्त हुआ, गोल्डन सॉस मैक्सिमम है ना, यानी ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम मतलब उच्चिष्ट बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु अक्ष बराबर माइनस वन पर प्राप्त हुआ, यानी ये उच्चिष्ट है और ये निम्निष्ट है, तो इन्हीं में लिख लेना तुम्हारे नीचे है ना, उतारो। अब देखो वाई बराबर वन अपॉन एक्स स्क्वायर है और मैक्सिमा और मिनिमा याद करना है ना, तो पहले क्या याद करेंगे, अवकलन, अवकलन करेंगे ना, अवकलन से देखना ना, ये अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy dx निकालेंगे, अरे ढंग से देखो, और ये क्या है वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, अक्ष की पावर माइनस टू है, अक्ष की पावर माइनस टू आते हैं माइनस टू वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, ये होगा माइनस टू गुणा वन अपॉन एक्स की पावर थ्री, ये होगा ना। अब क्या करेंगे हम, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, किसको रखेंगे जीरो, इसके बराबर इधर ध्यान दो, क्या पहले वाले क्वेश्चन में तो दो बटा एक्स की पावर क्यूब भी लिखाई थी, माइनस तो लगाया नहीं था,
क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस वन अपॉन एक्स का किया था फर्स्ट टर्म ने, इसीलिए जगो थोड़ो उसमें माइनस ऑलरेडी था इसीलिए, इसीलिए प्लस हो गया। अब ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दे। अब ये क्या है, एक बार अवकलन करने पर ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसके बराबर में जीरो रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर अक्ष बराबर जीरो रखेंगे। अक्ष बराबर क्या रखेंगे, जीरो नहीं, इसके बराबर में जीरो रखेंगे। देन से देखना, अक्ष बराबर जीरो नहीं रख रहे, इसके बराबर में जीरो रख रहे हैं ना, इसके बराबर में जीरो रखते ही माइनस टू अपॉन अक्ष की पावर थ्री बराबर क्या होगा, जीरो। हम इससे ये कर सकते हैं, जीरो बटा ये करना है तो अक्ष की पावर थ्री बराबर क्या होगा बताओ, जीरो। कंफर्म सही है क्या, देखो एक बार, एक सही है जीरो। अगर x को 3 से 0 करेंगे तो 0 आएगा ना, माइनस 2 देखो, अक्ष स्क्वायर बराबर 1 हो तो अक्ष बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1। ये कहां से आया, हमने बताया कि अक्ष स्क्वायर बराबर माइनस 1 बराबर 0, और फिर उसके बाद a प्लस b, a माइनस b से x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0, अक्ष माइनस 1 बराबर 0 और अक्ष प्लस 1 बराबर 0, तो दो पॉइंट प्राप्त हो गए, x बराबर प्लस के 1 और x बराबर माइनस के 1। लेकिन अगर x की पावर 3 बराबर 1 हो, ध्यान से देखना, तो इसको किस प्रकार करेंगे, x की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस b का फॉर्मूला a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, प्लस a, प्लस a, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a। अब इसमें रखो अक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब, यानी ए की जगह क्या है अक्स, बी की जगह क्या है एक, ए की जगह क्या है अक्स, बी की जगह क्या है एक प्लस अक्स। आगे समझो, नया ए की जगह अक्स, बी की जगह एक। अब इसके बराबर में जीरो रखेंगे, इसके बराबर में जीरो रखेंगे, क्योंकि दो मान हो गए ना। इसमें रखो, इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू ये, अक्स माइनस वन और अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस वन बराबर भी जीरो, यानी हम कह सकते हैं कि अक्स माइनस वन बराबर क्या है, जीरो। तो अक्स बराबर क्या होगा, वन, एक तो बना गया हमारे पास। तीन मान आएंगे, ध्यान रखना है, त्रिघात समीकरण हो तो तीन मान आते हैं, द्विघात हो तो दो, अक्ष की पावर दो हो तो दो, अक्ष की पावर वन हो तो वन, अक्ष की पावर चार हो तो चार, निकालने पड़ेंगे, चार ही आएंगे, ठीक है ना। अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस वन, इसके बराबर जीरो, कैसे करेंगे इसको, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसी से करते हैं ना। देखो अक्स बराबर सीधे रहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। माइनस बी यानी माइनस वन, माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस फोर एक गुणा एक, ठीक है, अपॉन टू गुणा एक, ठीक है। आगे समझ में, अब देखो माइनस वन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसको कर रहे हैं, अक्ष बराबर क्या होगा, अक्ष बराबर माइनस वन प्लस माइनस रूट माइनस तीन बटे दो। अब तक तुम्हें प्लस का रूट तो समझा रखा है, लेकिन माइनस का रूट नहीं समझा रखा है, देना। अगर तुमसे पूछे कि एक का रूट क्या होता है तो एक, लेकिन ध्यान रख लेना, अगर माइनस एक का रूट पूछे तुमसे तो उसको कर रहे हैं आयोटा, उसको क्या कहते हैं आयोटा, इसे क्या कहते हैं आयोटा, यानी कोई पूछे तुमसे माइनस वन का रूट क्या होता है तो आयोटा, ठीक है ना। ये थोड़ा याद रख लेना, तुम्हारे कोर्स में नहीं है ना, तो ये होगा। दोबारा बता दें यहां से अक्स स्क्वायर एक तो टर्म बन गई, ये तो सुन मैं कह दूं, ये तो आ गया, अक्स माइनस वन बराबर जीरो तो अक्स बराबर वन, और एक अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो अक्स स्क्वायर प्लस अक्स प्लस वन बराबर जीरो है, तो इसमें फॉर्मूला लगता है श्रीधर आचार्य सूत्र है ना, तो अक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ठीक है। माइनस बी ए बी एक है, बी बी एक है, सी बी एक है, क्योंकि ए क्या होता है इसके आगे वाला, अक्स स्क्वायर के आगे, ए बी एक है, बी बी एक ही है, सी बी एक ही है, तो माइनस एक प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर माइनस फोर गुणा एक तो फोर ये हो जाएगा, नीचे टू अपॉन ए यानी टू गुणा ए एक तो एक ही होगा, सॉरी टू ही होगा ना, तो माइनस एक प्लस माइनस माइनस वन माइनस फोर ये होगा, यानी माइनस का
तीन, माइनस वन ऐसा कैसा प्लस माइनस और माइनस का तीन, आगे समझे थोड़ा बहुत तो। अब देखो इसको दो भागों में बांट लो, एक तो प्लस वाला, एक माइनस वन प्लस रू माइनस का थ्री अपॉन टू, और एक माइनस वन माइनस माइनस का थ्री अपॉन टू। ध्यान रख लेना रूट वन बराबर, देखो रूट वन बराबर तो क्या होता है वन, लेकिन रूट माइनस वन बराबर क्या होता है आयोटा। ध्यान रख लेना इसको क्या कहते हैं आयोटा, ठीक है आयोटा कहते हैं। तो कोई तुमसे पूछ ले मजाक मजाक में कि माइनस वन का रूट क्या होता है आयोटा, तो आयोटा होता है ध्यान रख लेना, एक मत बता देना ना, तो ये होगा और ये, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस वन और प्लस की जगह प्लस ऐसा कैसा और रूट थ्री, यानी क्या होगा रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, और ये भी माइनस वन माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन टू, ये जो है बस इससे आगे नहीं कर सकते। यानी तीन मान प्राप्त हो गए हमारे अक्ष के, एक तो ये और एक ये और एक ये, ठीक है ना, यानी अक्ष के तीन मान प्राप्त हो गए। ज्यादा माता बच्ची नहीं करना है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी बता दिया तुम्हें, तुम पूछ रहे थे इसीलिए, ठीक है ना। देखो y बराबर क्या है sin x है ना, तो एक बार अवकलन करेंगे ना dy/dx, sin x का अवकलन cos x, ठीक है cos x है ना। अब क्या करेंगे हम dy/dx बराबर क्या रखेंगे जीरो रखने पर, जब dy/dx बराबर जीरो है तो इधर ध्यान दो cos x बराबर क्या है जीरो, तो cos x बराबर जीरो है तो अक्ष की वैल्यू क्या होगी, देखो cos x बराबर जीरो है तो अक्ष की वैल्यू cos इनवर्स जीरो, नहीं है समझ में तुम्हें, ये समझ में नहीं आए तो भी उल्टा सोच सकते हो, cos x बराबर जीरो है यानी अक्ष की कितने डिग्री पर जीरो मान आता है, तो cos कितने पर जीरो मान आता है, कितने पर cos जीरो की वैल्यू एक नब्बे पर शाबाश, तो अक्ष बराबर क्या होगा पाई पाई टू, अक्ष बराबर क्या होगा पाई पाई टू, और भी जीरो होता है क्या नहीं समझ में है, कोस की वैल्यू एक तो पाई बाई टू पर जीरो थी और कहां जीरो थी बताओ, हाँ थ्री पाई बाई टू पर भी जीरो थी, बस पाई बाई टू पर जीरो थी, देखो कोस का ग्राफ ये है ये। और आगे तो कोस की जीरो से टू पाई तक यानी यहाँ तक एक बार, तो एक बार यहाँ पर जीरो होगी और एक यहाँ पर जीरो होगी, दो जगह होगी, एक तो यहाँ पर यानी ये पाई पाई टू है और एक पाई पाई टू प्लस पाई यहाँ पर भी जीरो होगी, यानी थ्री पाई पाई, हाँ सही है थ्री पाई पाई टू पर, देखो यहाँ पर पाई पाई टू है यहाँ पर जीरो है यहाँ पर पाई पाई टू है और यहाँ पर क्या है पाई है और यहाँ पर थ्री पाई पाई टू और वहां पर टू पाई है, यानी नया है समझ में तुम्हें, नया है क्या, देखो कोस का ग्राफ ये होता है, देखना मेरे कोस का ग्राफ ये होता है, ये यहाँ तक हमें देखना है जीरो से, ये जीरो डिग्री हो गया यहाँ पर, यहाँ पर क्या है पाई पाई टू है और यहाँ पर पाई है सबास, यहाँ पर टू पाई थ्री पाई पाई टू है और यहाँ पर टू पाई है, कोस का है कोस का ना, और यहाँ पर वन और यहाँ पर माइनस माइनस, कोस अक्ष बराबर जीरो है, देखो हमें जीरो से टू पाई तक की रेंज देखना है बस, आगे नहीं है ना, तो अक्ष की वैल्यू कितनी पर जीरो होगी, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, अक्ष की वैल्यू एक तो होगी पाई पाई टू पर जीरो और एक होगी थ्री पाई पाई टू पर जीरो, कैन यू अंडरस्टैंड है ना, ये प्लस इन प्लस माइनस वैसे तो बहुत बड़ा हो सकता है ना, लेकिन यहाँ तक दो मान आ गए हमारे है ना, दोनों पर क्या होगी cos x बराबर जीरो हो गया, समझ आ गया तुम्हें। अब इस जो दो मान है अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बताओ, एक बार और अवकलन करेंगे d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, cos x का अवकलन क्या होता है बताओ माइनस साइन एक्स, सबस माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे हम d स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या होगा, एक तो पाई पाई टू पर, एक तो पाई पाई टू पर देखेंगे, पाई पाई टू पर मान देखो कितना होगा माइनस साइन पाई पाई टू, और माइनस साइन पाई पाई टू मतलब साइन पाई पाई टू की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन नब्बे की वैल्यू वन, तो माइनस वन है समझ में। मतलब वो आप माइनस वन से कर रहे थे ना, इसमें तो पता नहीं वैल्यू याद आए नहीं आए, वो तो रटना पड़ेगा,
फिर वो माइनस वन से कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे? क्या माइनस कोस का, फिर वो माइनस, ये एक्स इधर छोड़ा फिर कोस माइनस, तो ये माइनस वन हो गया एक, यानी ये लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है, यानी अक्ष बराबर, देखना अक्ष बराबर पाई पाई टू पर मान मैक्सिमम है या मिनिमम मान है? ये माइनस वन है, यानी माइनस वन जीरो, यानी मैक्सिमम मान मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, क्या है मैक्सिमम। और एक और मान होता है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी अक्ष बराबर थ्री पाई पाई टू, थ्री पाई पाई टू, और यानी माइनस साइन थ्री पाई पाई टू, और माइनस साइन थ्री पाई पाई टू की वैल्यू जीरो। देख लिया, देखो साइन का ग्राफ इस प्रकार होता है ना, साइन का ग्राफ माइनस थ्री पाई पाई टू की वैल्यू था, सोचो थ्री माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक, तो एक हो जाएगी, एक ग्रेटर देन जीरो, वन ग्रेटर देन जीरो, तो अक्ष बराबर, अक्ष बराबर थ्री पाई पाई टू पर वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। नया समझ में ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, माइनस होगी, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, ये तो हमने कर दिया ना। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ ना, तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ। अब साइन एक्स का ग्राफ है, यहाँ पर क्या है जीरो, यहाँ पर क्या है वन, और यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर पाई पाई टू, यहाँ पर पाई, यहाँ पर थ्री पाई पाई टू, और यहाँ पर टू पर। अब बताओ मैक्सिमम मान कहाँ प्राप्त हो रहा है? पाई पाई टू पर, और मिनिमम मान कहाँ प्राप्त हो रहा है? थ्री पाई पाई टू। इट इज ए रेंज ऑफ जीरो टू टू पाई, जीरो से टू पाई के बीच में मैक्सिमम मान तो यहाँ प्राप्त हो रहा है, मिनिमम ये मान यहाँ प्राप्त हो रहा है, ठीक है? तो यही तो ये, इसमें भी ये है उत्तर हमारे, मैक्सिमम मान पाई पाई टू पर हो रहा है, मिनिमम मान थ्री पाई पाई टू पर हो रहा है।